हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति और आज की रेसिपी में मैं लेके आई हूं बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं दही के छोले, या आप इसे दही कबाब भी बोल सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर बना के इंजॉय करें। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही को पहले से ही कपड़े में बांध के लटका दिया था, तो इसका सारा पानी निकल गया और ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे पनीर। पनीर आप इसमें ज़रूर ऐड करें, तभी ये कबाब का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर और दही दोनों ले लिया है। पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजीज। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बारीक चॉप कर लिया। तो यहाँ पे मैंने लिया कैरेट, अनियन और कैप्सिकम। आप जो भी वेजिटेबल पसंद करते हो सब ऐड करके बना सकते हो। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते तो उन्हें इस तरीके से खिलाने का ये बढ़िया तरीका है, तो आप इसे ज़रूर बना के इंजॉय करें। तो सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हो तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे धनिया का पत्ता, और यहाँ पे मैंने ऐड किया ब्लैक पेपर। बस इतने ही मसाले इसमें ऐड करेंगे हम, और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम अभी नमक नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो दही पानी छोड़ देगा। तो नमक हमें एकदम लास्ट में ऐड करना है। सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक और फटाफट से बनाना शुरू करेंगे। तो जब आप बनाना चालू करो तभी इसमें नमक ऐड करो। नमक ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पे झटपट से हमारी स्टफिंग बन के रेडी है। अब हम बनाना शुरू करेंगे छोले। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट ब्रेड। तो ब्रेड को हम सबसे पहले इसके कॉर्नर को कट करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के सारे कॉर्नर को कट कर दिया है। उसके बाद हम पानी लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाथों से ब्रेड पर लगा देंगे। उसके बाद हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को हल्का हल्का बेल के रेडी कर लिया है। अब हम स्टफिंग को एकदम सेंटर में रखेंगे। उसके बाद हम इसे हाथों से प्रेस करके एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको भी सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया मैदा। मैदे में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका घोल रेडी कर लेंगे। तो बस इस तरीके से थिक घोल आपको बना के रेडी कर लेना है। उसके बाद इसी घोल को हम सारे कॉर्नर पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद हम ब्रेड के कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ दबाते हुए हमें रोल कर लेना है। एकदम आराम से हमें दबाते हुए इसको रोल करना है ताकि ये तेल में जाके खुले ना। तो हाथों से चारों तरफ प्रेस करके हम इसे बंद कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से दबाते हुए छोले बना के रेडी कर लिए हैं। छोले इसी शेप में बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया। मैं एक मेथड आपको यहाँ पे और बताऊँगी, आप चाहो तो वैसे भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंगे प्लेट में पानी। पानी में हम ब्रेड को डिप कर लेंगे और एक्स्ट्रा पानी इसका स्क्वीज कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग डायरेक्ट रख लेंगे। जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से भी हम बना के यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो स्टफिंग को रखेंगे और दबाते हुए इसे हम ओवल शेप दे देंगे। बड़े ही आसानी से बन के रेडी हो जाते हैं। अगर आपको उस तरीके से बनाने में दिक्कत है तो इस तरीके से भी आप बना के इंजॉय कर सकते हो। तो ये देखिए, बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से बना के फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ पे बन के रेडी हो गया हमारा रोल। तो सबसे पहले हम छोले फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डीप फ्राई किया है। आप चाहो तो शैलो फ्राई भी करके इसे रेडी कर सकते हो। तो इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक तरफ हमारे छोले ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया अलट पलट के मैंने कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे छोले हमें बना के रेडी कर लेना है। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है ये। और अब हमने जो रोल बना के रखा था उसे भी डीप फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो इसे भी हमें ऐड करना है और अलट पलट के अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो एक तरफ ये सिक गए हैं तो अब हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है और हमारा रोल भी बढ़िया फ्राई होके रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, झटपट से बन के रेडी है सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी दही के छोले। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए। और अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।